तो गाइस आज मैं आया हुआ हूँ पत्नीटॉप में। वैसे तो हम वैष्णो देवी जी गए थे, वहाँ के भी दर्शन कर लिए थे और हमने भैरव मंदिर भी गए थे हम। और जब हम भैरव मंदिर गए मैं तो थक गया था, तो इसलिए मैं नहीं गया, मैं और पापा नहीं गए, बाकी लोग होटल में हैं, बाकी लोग ही गए थे। और वो रहा हमारा होटल, उस गाड़ी से हम आए थे और अभी हम उसी गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे दूसरी गाड़ी से। और अभी हम बनाते हैं स्नोमैन, तो उसके लिए पहले इतनी बड़ा पहाड़ बनाना है, फिर स्नो जोड़नी है, कुछ ऐसे कर करके, ऐसे कर करके और ऐसे कर करके और ऐसे कर करके। और अब गाइस ये जो है ये रेडी हो चुका है, मतलब पूरा तो रेडी नहीं हुआ, आधा रेडी हुआ है। और ये देख सकते हैं ये कैसे बनता है स्नोमैन। और इसे हम स्मूथ कर देते हैं ताकि जुड़ जाए। और ये रहा गाइस इसका सर, अब इससे भी इससे जोड़ते हैं, सर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया या फिर इसे बड़ा करना पड़ेगा, तो गाइस पहले हम इसे बड़ा करते हैं। ऐसे ऐसे चौड़ा करते जाएंगे, कभी कभार गाइस ध्यान से करना ये टूट भी जाता है। धीरे 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 इसे मारते हैं और अभी इसे चौड़ा करा जाएगा साइड साइड में लगा के स्नो। और अगर आप भी यहाँ पे आइएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे हमेशा स्नो रहती है। और अभी तो मैंने स्नोफॉल भी देखा था, स्नोफॉल हो रहा था। खैर अभी तो धूप हो गई है, पर अभी स्नोफॉल हो रहा था। और कल हम गए थे वहाँ पर वैष्णो देवी जी, और कल ही हम आए थे और आज हम जा रहे हैं। 11 बजे की हमारी ट्रेन है, और 11 बजे की ट्रेन है, फिर अभी हमें जल्दी निकलना पड़ेगा स्नोमैन बना के जल्दी से। और बाकी सब आप सोचोगे कहाँ है, वो होटल में है। और ये सब छोड़ो गाइस, अभी हम अपने स्नोमैन पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे लगाना है इसे इधर, गाइस कभी कभार टूट जाता है अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ना, इसलिए ज्यादा प्रेशर मत लगाना। अगर यहाँ है या फिर कहीं भी बर्फ की जगह पे जाना, तो फिर अगर स्नोमैन बना रहे हो तो फिर ज़्यादा प्रेशर मत डालना, जैसे कि ये टूट गया। तो हमें पाउडर वाली बर्फ चाहिए, ऐसी वाली बर्फ नहीं, क्योंकि वो हार्ड होती है, मतलब हार्ड होती है मतलब। और अभी हम बर्फ को मैश कर रहे हैं और अब लगाते हैं। ये टूट गई है, और अभी ऐसे ही हम और स्नो लगाएंगे गाइस। मेरे क्रॉक्स में जा रही है ये, हाँ इधर इधर ऐसे, और इसे चौड़ा करने के लिए आप अपनी टेक्निक लगा सकते हैं। तो मैं अपनी टेक्निक लगा रहा हूँ, आप अपनी लगा सकते हैं, ओके। और इसे इधर 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 ऐसे 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 ऐसे, और अभी तो इसका मुंह भी लगाना है, अभी बहुत काम बाकी है। अभी से चपका करेंगे, ऐसे। अब हम इसे जोड़ेंगे कुछ ऐसे गाइस,
और मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं क्योंकि जब भी आप यहाँ आए या फिर कुछ बर्फ से खेले तो फिर आप क्या कहते हैं ग्लव्स भी पहने और कोई ऐसी चीज़ पहने जिससे कि हवा या फिर बर्फ अंदर ना घुसे। तो अभी हम इसका सर जोड़ रहे हैं ऐसे गाइस। अब हमें और बर्फ चाहिए ऐसे ऐसे लगेगा सर और बड़ा करना पड़ेगा गाइस सर को और बड़ा करना पड़ेगा। और देखिए वहां पे मैंने स्लाइड भी बनाया था और वहां पे हमने फोटोज भी खिंचाए थे और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल जगह है। उधर देखिए कितने सारे पेड़ है बर्फ ही बर्फ है उधर देख सकते हैं आप गाइस। और उधर भी है बर्फ पर उधर थोड़ी सी कम है क्योंकि उधर बिल्डिंग है। और हमारा जो होटल है ना उसकी हमारा जो होटल है उसकी छत पर भी बर्फ है ये देखिए। और अभी स्नोमैन बनाना जारी रखते हैं। चलो 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 इसका सर तो बन गया था। बड़े ज्यादा खेलोगे आप हाथ ठंडे हो जाएंगे तो। अभी ग्लव पहने हुए हैं मैंने तो जब भीग गए ना फिर ठंड होगी। यहाँ पे से हम जोड़ेंगे और ये अभी पापा जोड़ेंगे इसे सर पापा जोड़ेंगे तब तक मैं पकड़ लेता हूँ। तो हेलो ये रे पापा। हेलो अभी इसका सर जोड़ा जा रहा है इतना मोटा सर। अभी मैं इसे प्लेन करूँगा सबसे पहले इसे थोड़ा सा पापा इसे पहले थोड़ा सा ऐसे ऐसे मारिए इसे सर को नहीं ज़मीन पे इसे उठा के मारिए ताकि थोड़ा सा प्लेन हो जाए। देख सकते हैं आप गाइस ये गोला नहीं लग रहा है जो बर्फ का गोला आता है ना गर्मियों में हम खाते थे। तो गाइस सर तो जुड़ चुका है अभी पापा पकड़ेंगे तब तक मैं इसकी फिनिशिंग कर रहा हूँ। टूट जाएगा ज़्यादा मत करना। आपने इधर से तो गाइस जाने का टाइम हो गया अब। हाँ, अब हम चलते हैं फिर मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। हाँ तब तक मैं बनाता हूँ अभी अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। बाय बाय टाटा सी यू नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं पर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये बर्फ नहीं मिलेगी। बाय बाय गाइस।